कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस बढ़ने और चीन में निमोनिया जैसी बीमारी को लेकर दुनिया में चिंता है। इस बीच अमेरिका में जॉम्बी डियर डिजीज का नया केस सामने आया है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में इस बीमारी के मामले का पता चला, जिसके मनुष्यों में फैलने को लेकर भी मेडिकल एक्सपर्ट ने चिंता जताई है। इस बीमारी को वैज्ञानिक धीमी गति से चलने वाली आपदा कहते हैं। डॉक्टरों को अंदेशा है कि ये पूरे अमेरिका में फैल रहा है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में इस बीमारी का केस मिलने के बाद चिंताएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि इस घातक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा हिरन में होती है, लेकिन अध्ययनों में पता चलता है कि ये मनुष्यों में भी फैल सकता है। इस बीमारी को क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज भी कहा जाता है। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी CDC के अनुसार ये एक पुरानी और भयानक बीमारी है, जो सबसे पहले हिरन, एल्क, रेनडियर, सीका हिरन और चूहों में सामने आई थी। ये वायरस CWD प्रियॉन जानवरों के दिमाग को खा जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसका कोई उपचार या टीका भी नहीं है। ये जानवरों और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करता है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मानव को जानवरों से CWD प्रियॉन का संक्रमण हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं। इस बीमारी से दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कोशिकाएं असामान्य रूप से मुड़ जाती हैं और आपस में चिपकना शुरू कर देती हैं। संक्रमित होने के लगभग एक साल बाद जानवरों में मनोभंज, लड़खड़ाहट, लार आना, आक्रामकता और वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो धीरे धीरे मौत की वजह बन जाता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जॉम्बी डियर डिजीज का पहला मामला 1967 में कोलोराडो में सामने आया था। अब तक इस बीमारी के जानवरों से मनुष्यों में फैलने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन CWD पर एक रिसर्च से पता चलता है कि ये एक संभावना है कि ये मनुष्यों में फैल सकता है, क्योंकि ये वायरस पकने के बाद भी नहीं मरता। खासकर अगर मनुष्य संक्रमित मांस खाते हैं तो वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। दूसरी ओर जानवरों में ये उनकी लार और खून के माध्यम से फैलता है। अमेरिका में ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, लेकिन इसके साथ ही भारत में भी फैलने का डर बना हुआ है। वहीं अगर कोरोना की बात करें तो भारत में एक बार फिर कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है। हर दिन नए नए मामले दर्ज की हो रहे हैं। दिल्ली में नए वेरिएंट JN1 की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में COVID-19 के सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला सामने आया है। इसके साथ ही दिल्ली में 35 मामले एक्टिव हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो 9 नए मामले सामने आए थे। 28 साल का एक शख्स दिल्ली का रहने वाला नहीं है, लेकिन निजी अस्पताल में उसे रेफर किया गया था, जिसके अंदर JN1 का ये वेरिएंट पाया गया। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।